हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रमेह चिकित्सा, जो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के 6 चैप्टर है, उसके सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट में हम लोग निदान, संप्राप्ति, टाइप्स, इन सभी के बारे में जान गए थे। आज का जो है वीडियो, इसमें हम लोग प्रमेह के चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं प्रमेह का। सबसे पहले चिकित्सा सूत्र, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका श्लोका जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली चिकित्सा स्थान के जितने भी चिकित्सा सूत्र हैं उनका श्लोका आपको याद होना चाहिए। ओके, तो इसका चिकित्सा सूत्र यह कहता है कि स्थूल प्रमेही बलवान ई एका कृशस तथेका परि दुर्बलश्च, संब्रह्मणम तत् कृशस्य कार्यम, संशोधनम तु दोष बलादिकस्य, संशोधनम दोष बलादिकस्य। ठीक है, तो इस चिकित्सा सूत्र के जरिए इन्होंने बताया कि प्रमेही, जो प्रमेह के रोगी हैं उनके लिए प्रमेही वर्ड आया, वो दो तरह के होते हैं। एक तो स्थूल एंड बलवान होते हैं, एंड दूसरा जो होते हैं वो कृश एंड दुर्बल होते हैं। ओके, स्थूल प्रमेही बलवान ई एक, एक जो हो गए वो स्थूल एंड बलवान हुए, एंड दूसरा जो है कृशस तथ एक परि दुर्बलश्च, दूसरे वाले जो कृश एंड दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो तरह का प्रमेही इन्होंने बता दिया, स्थूल एंड बलवान। जो स्थूल है वो बलवान भी होंगे, मोटे वाले जो है थोड़ा पावरफुल होंगे, एंड जो कृश हैं जो पतले वो दुर्बल होंगे, उसमें बल कम होगा। ठीक है, अब चिकित्सा उनका क्या करना है, संब्रिंघनम तत्कृशस्य कार्यम, जो कृश वाले हैं यानी कि कृश एंड दुर्बल हैं उसमें क्या करना है, ब्रिंघन करना है, उसको ब्रिंघन आहार विहार जो भी औषध है वो देना है, कृश के लिए ब्रिंघन चिकित्सा करना है। एंड संशोधनम तु दोष बलादिकस्य, जिसमें बल ज़्यादा है ना, जो कि स्थूल एंड बलवान वाले हैं उसमें संशोधन कर्म करना है। ठीक है, अब संशोधन में क्या करना है वो देखते हैं। संशोधन किससे करना है उसको जानने से पहले दोष का डिवीजन जान लेते हैं। ठीक है, तो हमें दो तरह का प्रमेह ही मिला था, एक तो स्थूल एंड बलवान और दूसरा जो है कृश एंड दुर्बल। ठीक है, जो कृश एंड दुर्बल है उसमें मेनली वात दोष होते हैं, जबकि स्थूल एंड बलवान है उसमें पित्त एंड कफ, इन दोनों में से कोई होते हैं या दोनों होते हैं। ओके, अब संशोधन पे आते हैं। स्थूल एंड बलवान का संशोधन करना है, तो संशोधन करने से पहले, संशोधन मेनली आपको क्या, पंचकर्म, भवन, विरेचन, यही सब आएंगे, लेकिन पंचकर्म से पहले हमें क्या करना है, पूर्व कर्म, स्नेहन स्वेदन करना है। सो वही चीज बताया कि स्निग्धस्य योगः विविधा प्रयोजयः कल्प उपदिष्टा मलशोधनाय, उसके बाद ऊर्ध्वः तथा अधश्चः मले अपनीते मेहेषु संतर्पण एव कार्यम। कहने का ये मतलब है कि संशोधन करना है तो उससे पहले हमको स्नेहन स्वेदन ये सब करना है, तो स्निग्ध यानी स्नेहन कर लेंगे, उसके पश्चात जो भी कल्प उपदिष्ट, जो भी कल्प स्थान में जो भी वमन विरेचन का योग बताया गया है ना, उनका प्रयोग करके मल का शोधन करना है, यानी वमन विरेचन योग के हेल्प से वमन विरेचन करके मल को निकाल देना है शरीर से। सो ये जो वर्ड ऊर्ध्व आया है ना, वो मेनली वमन के लिए, ऊर्ध्व मार्ग से वमन ही करते हैं ना, अध वर्ड जो है तथा अधश्च वो विरेचन के लिए आया है। ओके, अभी जो अब इसको क्लियर करते हैं कि जैसे हमने आपको कहा कि पित्त एंड कफ, इसी के वजह से स्थूल एंड बलवान वाले प्रमेही में ये दोनों दोष इन्वॉल्व होते हैं। तो जो जिसमें मेनली कफ दोष इन्वॉल्व होंगे ना, तो उसके लिए हमको वमन करना है, क्योंकि कफ के लिए बेस्ट वमन है। और जिसमें पित्त दोष इन्वॉल्व होंगे उसके लिए हमको विरेचन करना है, क्योंकि पित्त के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, विरेचन। सो शोधन ऐसे कर देंगे वमन एंड विरेचन के जरिए, और उसके लिए जो भी औषध का यूज किया जाएगा वो कल्प स्थान में बताया गया है, जो वमन के योग, विरेचन के योग है, उन सभी का हेल्प से। ओके, उसके बाद बताया है कि मल शोधन हो गया, अब क्या करना है, तो मले अपनीते मेहेषु संतर्पण एव कार्यम, यानी कि मल जो है यदि शोधन हो गया तो उसके बाद उस प्रमेही में अब क्या करेंगे, संतर्पण करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि शोधन के पश्चात संतर्पण करेंगे। नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग कि संशोधन जो करते हैं भवन विरेचन, उसके बाद संसर्जन कर्म करते हैं। ठीक है, संसर्जन कर्म या अपतर्पण ही उसको कहते हैं, उसमें पेय, विलेपी, ये सब जो होता है इन्हीं सबको देते हैं ना, पेय आदि कर्म ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर रहा है, पेय आदि कर्म करना ही नहीं, यहाँ पे क्या करना है, संतर्पण करना है। ठीक है, तो आपको अभी तक क्या क्या याद रखना है कि दो तरह का प्रमेह हुए, एक स्थूल एंड बलवान और दूसरा कृश एंड दुर्बल। जो कृश दुर्बल है वो मेनली वात के वजह से होता है, और उसके लिए हमको ब्रिंघन करना है। जो स्थूल एंड बलवान होता है या तो कफ के वजह से होगा या फिर पित्त के वजह से होगा, और इसके लिए संशोधन करना है यानी वमन विरेचन करना है, जिसमें से कफ वाले में वमन करेंगे और पित्त वाले में विरेचन करेंगे। ओके,
एंड जो संशोधन कर लिए ये वमन विरेचन, उसके पश्चात हमको पेय आदि कर्म ना करके संतर्पण करना है। ओके, अब आगे जानते हैं। सो संतर्पण क्यों करेंगे, उसके पीछे बस सिंपल लॉजिक है कि जो हमने वमन किया या विरेचन किया उसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली वमन विरेचन के बाद वात बढ़ जाता है। ओके, वात प्रकोप हो जाता है, और यदि हम ऐसे में संतर्पण ना करके अपतर्पण करेंगे तो अपतर्पण के वजह से वात और बढ़ जाएगा, और वात बढ़ेगा तो समस्या ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में प्रमेह में वात बढ़ने लगा, और वातज प्रमेह हमें मालूम है कि वो असाध्य होता है, तो असाध्यता की और कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ जाएगी, उसकी तरफ चली जाएगी। इसीलिए हमको जो है हर हाल में वात को बढ़ने नहीं देना है, अदरवाइज वात बढ़ने से, अपतर्पण करने से वात बढ़ जाएगा और उसके वजह से बहुत सारी डिफिकल्टी होगी, जिसमें से कुछ यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कि संतर्पण यदि नहीं दे यानी कि अपतर्पण कर दे भवन विरेचन के बाद तो क्या होगा, तो गुलमह छयो मेहन बस्ती शूलम मुतग्रह च अपतर्पणेन, यानी कि यदि अपतर्पण कर दिया जाए भवन विरेचन जो भी संशोधन किए हैं उसके बाद, तो क्या होगा कि गुलम हो जाएगा उसमें, उसके शरीर में धातु का क्षय हो जाएगा, जो मेहन है पेनिस हो गए एंड जो बस्ती है ब्लैडर है इसमें शूल होगा, साथ साथ मूत्र का ग्रह हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा, तो ये सभी चीज़ उपद्रव के रूप में होने लगेगा यदि हम अपतर्पण कर दे रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रमेहिना स्युः परितर्पणानि कार्याणि तस्य परिसमीक्ष्य वहनीनम्। ठीक है, इसीलिए उस केस में क्या करना चाहिए, अपतर्पण ना करके परितर्पण करना चाहिए। परितर्पण वर्ड जो है संतर्पण के लिए लिया गया। ओके, तो क्या करना है, अपतर्पण ना करके संतर्पण करना है, परितर्पण करना है, लेकिन कंडीशन यह है कि प्रसमीक्ष्य वहनीम, जो उसके शरीर का अग्नि बल है उसको देख करके करना है। ये क्वेश्चन जामनगर 2013 में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अपतर्पण ना करके परितर्पण करना है और अग्नि का समीक्षा करते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका अग्नि बल कम है और बहुत ही ज़्यादा गुरु आहार जो संतर्पण देने के चक्कर में दे देंगे तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए अग्नि का बल का जो है समीक्षा करते हुए ये परितर्पण करना है। तो हमने संशोधन चिकित्सा देख लिया, वो भी किसके लिए था कि जो स्थूल एंड बलवान प्रमेह ही था, लेकिन उनका क्या जो दुर्बल एंड कृश है। ठीक है, जो दुर्बल एंड कृश है उसको तो ब्रिंघन करना है, उसको तो हम संशोधन दे नहीं सकते क्योंकि उसका बॉडी उसको ट्रोलेट कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए करना है समसमन चिकित्सा। ठीक है, तो समसमन में क्या करना है, संशोधनम ना अर्हति या प्रमेह, यानी कि जिस प्रमेह में ही हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें क्या करना है, समसमन करना है, समसमन ही प्रयोज्य। क्या देना है उसको, तो मंथः कषायः यव चूर्ण लेहः, ठीक है, लघुआ च भक्षया, जो भी लघु आहार होते हैं वो सब देना है, मंथ देना है, कषाय पान कराना है, यव चूर्ण, यव बहुत ही इम्पोर्टेंट है परमेह के केस में, आपको जगह जगह पे मिलेगा, जो जव होता है उसी का चावल भात रोटी जो भी बनाना है वो बना के दीजिए, एंड अवले है। ओके, तो समसमन की चिकित्सा की अवस्था में क्या क्या देना है, मंथ कषाय यव चूर्ण ले एंड लघु आहार, किसको देना है, जिसमें हम संशोधन ना कर सकते, संशोधन ना अर्हति। ठीक है, इसी में यदि मांस की बात की जाए तो मांस में कह रहा है कि अनुपोदक मांस तो नहीं कराना था, तो कैसा करेंगे, विषिकर प्रतूद जो जंगल पशु पक्षी है उनके मांस को, उनके मांस रस को यव उदन, देखा यहाँ पर भी यव आ गया, यव के साथ जो है यव का जो भात है उसके साथ उसको खिलाना है ये सारे मांस रस को। इसके अलावा जो है उसको और क्या क्या देना है, जैसे कि सब्जी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसमें किस तरह का तेल का यूज करते हैं, तो दंती अंगुदी तैल युक्तम तथा अतसी सरसप तैल युक्तम, जो ये चार तरह का तेल बताया, दंती अंगुदी अतसी एंड सरसप, इन सभी इन चारों में से किसी भी तरह का जो तेल है उसमें आप भोजन बनाइए। एंड यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, ठीक है, यव प्रधान भोजन ही कराना है, मेनली कप प्रमेह के बारे में बताया है, लेकिन यव प्रधान युक्त भोजन करना है, उसमें भी मधु संप्रयुक्तान, उसमें मधु मिला करके मधु के साथ लेना, तो ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रमेह के रोगी हैं मेनली कप वाले कपज प्रमेही हैं, तो उसमें जो भी भोजन उनको दे रहे हैं उसमें यव प्रधान होना चाहिए, यव उसमें होना ही होना चाहिए और मधु के साथ मिला करके देना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि इनकेस आपके घर में कोई भी प्रमेह के रोगी हैं, रिलेटिव है, तो आप उनको ये सभी
भी एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ आप जो है इनको ऐसा ऐसा भोजन दीजिए, जैसे कि मूंग आदि यूस हो गए, यानी मूंग का यूस दे दीजिए, जो भी तिक्त शाक होते वो दे दीजिए, पुराना साली ओदन जो पुराना साली चावल है ये दे दीजिए, और जो भी तेल यूज करेंगे उसमें सरसों का तेल, अतसी का, दंती का, अंगूदी का, इन सभी का तेल होना चाहिए। ओके एंड ऊपर में जो हमने मांस में भी जो अभी देखा है कि जंगल पशु पक्षी का ही मांस देना, विस्कर प्रतूद ये सब तो अभी पता नहीं अवेलेबल है भी नहीं, लेकिन जंगल पशु पक्षी के मांस हो गए, मंत कषाय, यव चूर्ण, लघु हार, ये सब आप उनको जो एडवाइस दे सकते हैं कि आप ये सब उनको खाने को दें। इसके बाद जो है यहाँ पे संतर्पण एंड समसमन जो है उसका उपसंहार एक तरफ से एक जगह कंपाइल करके बता दिया है इन्होंने कि संशोधन उल्लेखन लंघनानी काले प्रयुक्तानी कप प्रमेहन, जो कफज प्रमेह है उसमें क्या करना है, संशोधन में उल्लेखन करना है यानी वमन कराना है, उल्लंघन कराना है, जबकि जयंती पित्त भावत विरेक जो विरेचन कराना है पित्तज प्रमेह में, ठीक है, और उसके बाद जो उसको संतर्पण करना है, चाहे वमन हो चाहे विरेचन हो, उसके बाद संतर्पण करना है, एंड देन समसमन जो है दोनों में कराना है, चाहे कब बलवान हो चाहे दुर्बल हो, सभी तरह के रोगियों में ओवरऑल जो है समसमन और संतर्पण जो है करा सकते हैं, जो दुर्बल है उसमें तो संशोधन नहीं ही कराना है, संतर्पण तो दोनों में करा सकते हैं, समसमन भी दोनों में करा सकते हैं, वही इन्होंने यहाँ बताया है। ओके इसके बाद जो है सामान्य प्रमेह नाशक योग, ये इम्पोर्टेंट है, जो ये नॉर्मल है कि प्रमेह हुआ है तो इसमें आप ये सभी दे सकते हैं, मेनली दो यहाँ पे बताया गया है फॉर्मुलेशन, पहला तो ये है कि दारवी, शुराहव, त्रिफला एंड मुस्ता, ये चार, चार नहीं टोटल जो है छः हो जाएंगे, क्योंकि त्रिफला में तीन और ये तीन छः, तो दारवी हो गए दारू हल्दी, शुराहव देव दारू, त्रिफला आंवला हरित की और विभित की, एंड मुस्ता जो है नगरमोथा, तो इन सभी का क्या करना है, कषाय बनाना है, ठीक है, इक्वल अमाउंट में सभी को लेकर के इसका क्वाथ बनाना है और उस प्रमेही को पिलाना है। यहाँ पे छोद्रेन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जैसे कि यहाँ पे तो छोद्र को आपको नहीं बताया है, लेकिन कुछ बुक में हमने देखा है जिसमें बताया कि इस क्वाथ में जो आपको हनी मिला करके पीना है, ओके इसी में, एंड अथवा दूसरा फॉर्मुलेशन ये कह रहा है कि हारिद्राम पीवेद रसेन आमलकी फलानाम, ठीक है, जो आमलकी फल होते हैं ना उसके रस में क्या करना है, हरिद्र को मिला करके हल्दी का चूर्ण मिला करके पीना है, ओके ये है, जबकि यहाँ पे ये दिया है कि आंवले के फल में हल्दी के चूर्ण के साथ मधु मिलाकर पीना है, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस छोद्र को जो है दोनों में मिला के पीना, वैसे भी कफज में जो है छोद्र मिला के पीना अच्छा होता है, तो दोनों कंडीशन में आप मधु साथ में मिला के पीना है, पहला में क्या है कि दारवी, शुराहव, त्रिफला एंड मुस्ता, इनका क्वाथ बनाना है, दूसरे में जो है बस आमलकी फल जो है उसका स्वरस में हल्दी का चूर्ण मिलाना है, और दोनों में जो है आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जो है छोद्र मिलाकर फिर पीना है। इसके बाद यहाँ पे जो है कफ एंड पित्त प्रमेह, ठीक है, वात का बात नहीं किया गया है, ओके, कफ एंड पित्त प्रमेह के नाशक 10-10 योग आचार्य चरक ने बताया है, तो दसों का नाम याद करना उतना पॉसिबल है नहीं, कम से कम इतना याद रखना है कि कफज प्रमेह और पित्तज प्रमेह के लिए 10-10 योग इन्होंने बताया, वातज के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वातज प्रमेह जो असाध्य होता है, ओके हाँ, यदि वात के साथ कफ का अनुबंध हो बंद हो और वात के साथ यदि पित्त का अनुबंध हो उस केस में फॉर्मुलेशन दिया गया, लेकिन सिर्फ वातज प्रमेह है तो उसके लिए कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है क्योंकि वो असाध्य है, और इनका मानना है कि जो असाध्य है उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। सो कफज के 10, पित्तज के 10, एक कफ एंड पित्त दोनों यदि साथ में हो, वैसे प्रमेह में कुछ विशेष योग बताया है इन्होंने, सभी नाम तो नहीं, आप जैसे कंपिलक हो गया, कपित फूल हो गया, तो इन सभी का जो भी है चूर्ण बनाना है, या तो सभी का चूर्ण या इंडिविजुअली किसी एक का चूर्ण बनाना है और उसको मधु के साथ सेवन करने के लिए कहा है, आप चाहो तो सब पढ़ लो लेकिन एटलीस्ट ये दोनों नाम याद रखना चाहिए, ठीक है, कफ अथवा पित्तज प्रमेह के रोगी के लिए, यहाँ दोनों नहीं मीन्स दोनों में से कोई भी हो गया ऐसा केस बता रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो ये विशेष योग है, 10-10 योग तो है ही, ये आपको याद रखना है, कंपिलक, कपित, इन सभी का जो है चूर्ण बना करके, कंपिलक इन सभी के छाल का और कपित पुष्प है उसका चूर्ण बना करके मधु के साथ सेवन करना है। अब बात करते हैं वातज प्रमेह की, ओके, यदि वातज प्रमेह अकेला वात दोष है और कोई दोष नहीं है तो उसका कोई योग नहीं है क्योंकि वातज प्रमेह असाध्य होता है, लेकिन यदि वातज प्रमेह में पित्त या कफ इनमें से किसी का अनुबंध हो, पित्त के साथ हो या कफ के साथ हो, तो उस केस में जो योग बताया गया है और उसमें स्नेह का प्रयोग करने का बताया है,
ठीक है। स्नेह क्यों? क्योंकि वात के लिए जो स्नेह में जो तेल हो गया या फिर घृत हो गया, तो ये सब क्या है, वात शामक होता है ना, तो वात के लिए बेस्ट होता है, इसलिए स्नेह का प्रयोग करने के लिए बताया। ओके, अब चेक करते हैं कि वो वात पित्त से रिलेटेड साथ अनुबंध है या कफ के साथ। यदि वो कफ के साथ अनुबंध होगा तब क्या करेंगे कि उसमें कफनाशक कषाय जो भी 10 हैं, कफनाशक 10 योग, पित्तनाशक 10 योग ऊपर में दिया है ना, तो उनमें से किसी एक योग के साथ जो है उसको तेल के साथ सिद्ध करके उसके बाद प्रयोग करना है। ओके, और यदि वही वात का पित्त के साथ अनुबंध हो तो उसमें जो भी 10 पित्तनाशक है कषाय उनमें से किसी एक का प्रयोग करके उसको घी के साथ सिद्ध करके फिर प्रयोग करना है। ओके, वही चीज़ यहाँ पर एक जगह कंपाइल कर दिए कि वात है ही, वात के साथ यदि कफ का अनुबंध है तो तेल के साथ सिद्ध करना है कफनाशक का, और यदि पित्त है तो उसमें घृत का यूज करना है। तो तेल और घृत ये याद रखना आपको। ओके, पित्त में घृत, पित्त उष्ण होता है, घृत शीत वीर्य होता है ना, इसीलिए पित्तनाशक में घृत को मेनली यूज किया और कफ के लिए तेल का यूज किया है। तो वात के साथ यदि कफ का अनुबंध है तो उसमें जो भी कफनाशक जो भी कषाय है 10 प्रमेह के लिए उसको जो है तेल में सिद्ध करके, और पित्तनाशक जो भी है उसमें वात के साथ यदि पित्त अनुबंध हो तो उसमें घी में जो है सिद्ध करके फिर उसका प्रयोग करना है। और उस स्नेह का जो है आपको एग्जांपल भी दिया है, त्रिकंटक आदि स्नेह, तो आपको ये नाम बस याद रखना है, इसका इंग्रेडिएंट याद रहेगा नहीं। सो त्रिकंटक आदि स्नेह जैसे हम बना लिए, और यदि कप और वातज प्रमेह है उस केस में, यदि कप के साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या करना है, तेल या घृत, तेल देना है, तो उसमें जो भी है उसको त्रिकंटक आदि जो भी फॉर्मुलेशन है उसमें तेल के साथ जो उसको सिद्ध करके देंगे। और वहीं यदि पित्त के साथ अनुबंध है तो उसमें उस कल को घृत और तेल जो है उसे सिद्ध करके जो है सेवन कराना है। सो त्रिकंटक आदि स्नेह जो है एक एग्जांपल आपको याद रखना है इसमें। सो प्रमेह का जो है नेक्स्ट योग जो है फल त्रिकादि क्वाथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, किसी भी तरह का प्रमेह रोगी हो आप उसको जो है ये एडवाइस दे सकते हैं कि आप फल त्रिकादि क्वाथ ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सर्व प्रमेह हर तरह का प्रमेह नाशक होता है ये। ओके, जो भी साध्य या कैटेगरी में है सबको ना सबको ठीक करने में सब में जो है ये हेल्प करेगा। फल त्रिकादि क्वाथ का इन्ग्रेडियंट भी आपको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। फल त्रिक से जो आपको त्रिफला तो याद रह ही जाएगा, और आदि में जो बचे तीन और हैं, एक तो दारू हल्दी हो गया दारू निशा, देन विशाल जो सिनोनिम्स हो गया इंद्रायन का उसका जर लेंगे, अनमुस्ता जो हो गया वही नागरमोथा। तो इन छह इंग्रेडिएंट का क्या करना है, क्वाथ बनाना है। ठीक है, क्वाथ बनाने के समय उसी में क्या करना है, निशा शकलकम जो हल्दी है उसका कल्क ऐड करना है। इंग्रेडिएंट में आपको दारू हल्दी लेना है, कल्क जो है हल्दी का, सिर्फ हल्दी का कल्क डालना है। ठीक है, और जब डिकॉक्शन बन जाएगा उस डिकॉक्शन में जो है उस क्वाथ में मधु मिला करके, मधु संप्रयुक्तम है ना, मधु मिला करके फिर उसको पीना है। ठीक है, वो सर्व प्रमेहेशु समुद्धेशु हर तरह का प्रमेह को जो है शमन करने में ये हेल्पफुल होता है। सो फल त्रिकादि क्वाथ ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। सो नेक्स्ट योग में आपको लोद्रासव या मधवासव, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, जो भी लोद्र सटी वगैरह जो भी इंग्रेडिएंट है उसको लेते हैं, उसका क्वाथ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद उस क्वाथ में क्या करते हैं, रसे अर्धभागम मधुनम प्रदाय, जैसे कि एक लीटर हम क्वाथ बना लिए हैं तो उस क्वाथ का जो है अर्धभाग यानी कि 1/2 लीटर जो है उसमें क्या ऐड करेंगे, मधु शहद को मिलाएंगे। ओके, तो सबसे पहले डिकॉक्शन बनाएंगे जो भी इंग्रेडिएंट है इन सभी के हेल्प से, और जितना बनेगा क्वाथ उसका आधा जो है हम उसमें मधु मिलाएंगे, और जो आसव कल्पना होता है ना उस हिसाब से आसव बनाएंगे, यानी कि मधु मिलाने के बाद जो एक कंटेनर जो घड़ा ही है तो घृत भावित पात्र लेंगे। ठीक है, उसमें वो क्वाथ और घी मिला करके उसका मुँह बंद करके भूमि के अंदर जो है या फिर धूप में 15 दिन तक रख लेंगे, और उसके बाद जो है उसको बोतल से छान करके यूज करेंगे। तो यूज जब करेंगे तो कितना अमाउंट में लेंगे, तो इसका डोज भी बताया इन्होंने, दो पल ही यूज करना है, और किस केस में देना है, तो कफ पित्त में हानाम जो कफजन पित्तज प्रमेह है उसको देना है, प्रमेही को देना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या याद करना है, मध्वासव या लोद्रासव में जो लोद्र सटी ये सभी जो भी इंग्रेडिएंट है इसको क्वाथ बनाना है, रसे अर्धभागम मधुनम प्रदाय, जितना भी क्वाथ बनेगा उसका आधा भाग मधु देना है, और उसके बाद जो है दो पल इसमें जो है यूज करना है, कफ एंड पित्त वाले प्रमेही को देना है। ठीक है, उसके साथ साथ ये ग्रहणी दोष किलास
जो विविध प्रकार के जो कुष्ठ रोग हैं उन सभी में भी फायदेमंद होता है। पांडु वगैरह, अर्श हो गए, अरुचि, इन सभी में भी ये हेल्पफुल होता है। इसके दो और योग हैं, वो हैं दंतासव एंड भल्लातकासव। सो ओवरऑल इसमें जो है यही पांच योग के बारे में बताया है, तो इसे याद करना भी इजी है। चाहो तो आप खुद से याद कर लो, चाहो तो इससे याद कर लो। कि याद करने के लिए आपको बस ये रखना है कि मध्व लोद्र दंत भल्लातक फलत्रिक, ऐसे याद करना है। ये भी इजी नहीं ही है, बस बार बार करने से याद हो जाएगा। मध्व लोद्र दंत भल्लातक फलत्रिक, बस इतना करना है। तो जो मध्व एंड लोद्र है, ठीक है, इससे मध्वासव लोद्रासव हो जाएगा, ये तो सिनोनिम्स ही है। तो दो नाम आया ना, इसको दो पल देना है, कफज और पित्तज में देना है। दंत से दंतासव, भल्लातक से भल्लातकासव, इनको भी कफ एंड पित्तज वाले प्रमेह में देना है, ठीक है। फलत्रिक से दो नाम आ जाएगा, एक तो फलत्रिकादि क्वाथ हो गया जो सर्व प्रमेह है, और दूसरा त्रिक से जो वातज वाले में दिया था ना, तो त्रिकंटक आदि स्नेह, ये कफ वातज वाले में देना है। ओके, नेक्स्ट है प्रमेह में उदक पान। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोई भी प्रमेह ही है, आप उनको जो है ये जो कुल छः बताया गया है, इन छः में से किसी भी तरीका का जो है उदक पान करने के लिए आप उनको बता सकते हैं। जिसमें से इन्होंने दिया है सार उदक, ठीक है, सार उदक इसी से देखते हैं। सार उदक, कुशुदक, मधुदक, त्रिफला रस, सिद्धु, ठीक है, माधविक अग्रयम। तो सार उदक जो विजय सार हो गए ना, उनके लकड़ी से षडंग पानीय की परिभाषा से बनाया हुआ जल, षडंग पानीय ज्वर में दे रखा है, उसमें ये होता है ना, मुस्ता, परपट, उशीर, चंदन एंड उदिच्य नागर, श्रृंग सीत सीथे जलंदाध्यात, ठीक है। हाँ, मुस्ता, परपट, उशीर, चंदन, उदिच्य नागर, तो ये सभी छः इन्ग्रेडियंट लेते हैं। मान के चलिए छः इन्ग्रेडियंट 1 kg है, तो इसका 64 times वाटर लेते हैं, 1:64 रेशियो होता है, और उसके बाद उसको हीट करके रिड्यूस कर देते हैं वाटर आधा, यानी 1:32 पर लाते हैं। तो उसी तरीके से जो है इसमें भी जो है सारुदक बनाएंगे, उसी फॉर्मूलेशन, उसी तरीके के फॉर्मूला पे। देन दूसरा है कुश उदक, तीसरा है मधु का शरबत, फोर्थ हो गया त्रिफला का क्वाथ या उसका स्वरस, फिफ्थ में सिधु, सिधु जो है जौ से बनाया हुआ मध्य, यहाँ भी यव आ गया, एंड लास्ट जो है उत्तम पुराना मुनक्का से बनाया हुआ मध्य या द्राक्षारिश जो मार्केट में अवेलेबल है। तो ये जो है छह तरह का जो उदक है उनको पान करने के लिए आप एडवाइस कर सकते हैं प्रमेह रोगी को। नेक्स्ट है कि संतर्पण उत्त प्रमेह, जो हमने जो वमन विरेचन किया था उसके बाद संतर्पण किया था, ठीक है, तो उस संतर्पण के वजह से जो प्रमेह होता है ना, या फिर ऐसे भी नॉर्मली किसी पर्सन जो संतर्पण जन्य आहार विहार लेते हैं उसके वजह से जो उसको प्रमेह होता है उसकी क्या व्यवस्था है, तो उसके लिए तो बताया है, एक तो ये कि उसको जंगल पशु पक्षी का मांस है, ठीक है, उसको जो है लोहे के सीक में छेद करके जो वैसे पका करके और जौ से बनाए हुए जो भी भक्ष्य है, चाहे चावल है, रट्टू सॉरी रोटी है, सत्तू है, कुछ भी है, इन सभी से या फिर अवलेह से इन सभी के साथ उसको खिलाना है। तो यव जो है हर जगह आएगा प्रमेह के लिए, यव रामबान है, हर जगह यव आता है, एंड त्रिफला, आंवला, ये सब भी, ठीक है, तो यव इम्पोर्टेंट है। तो उसमें यव का जो है साथ में ही ये सब खिलाना है, साथ साथ प्रमेह में यव का प्रयोग एक इंडिविजुअली भी बताया कि भ्रष्टान यवान भक्ष्यता, यानी कि यव को भूंज करके, भ्रष्ट यानी भूंज करके उसकी रोटी बना करके खा लीजिए, या फिर शुष्काम सक्तूना, या फिर जो यव है उसके भूनने से जो बना हुआ सत्तू है वो शुष्क सत्तू का प्रयोग करना है, तो इससे प्रमेह रोग नहीं होता है। साथ साथ मुदग और आमलक, जो मूंग है और आंवला है, इसका भी नित्य प्रयोग करना चाहिए, तो इससे क्या है प्रमेह तो नहीं ही होता है, साथ साथ जो है श्वेत कुष्ठ यानी स्वित्र जो है वो भी, एंड जो कफज मूत्र कृच एंड कुष्ठ रोग है वो भी नहीं होते हैं। सो यव का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो प्रमेह के रोगी को जो है आप डायरेक्ट यव का सत्तू, यव का रोटी, यव ओदन, ये सभी जो है, साथ साथ जो है मूंग जो है ये भी खाने के लिए कही, और आंवले का जो जूस है ये सब भी प्रयोग करने के लिए कहिए, उनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर एक जगह ये भी आया है कि प्रमेह में अपतर्पण भी कराना है, अपतर्पण के इम्पोर्टेंस के बारे में। हालांकि पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि प्रमेह में जो अपतर्पण नहीं कराना है, संशोधन के पश्चात उसको संतर्पण या परितर्पण कराना है, लेकिन प्रमेह में अपतर्पण भी कह रहा है कराने के लिए इन्होंने कहा है। तो किस केस में कहा है कि क्लेदश्च मेदश्च कफश्च वृद्धा,
ठीक है। नॉर्मली इसी की वजह से प्रेम ही होता है कि कफ, मेद, क्लेद इन सभी के वृद्ध होने के वजह से यदि प्रमेह है तो इसकी समीक्षा करने के पश्चात जो है कफ एंड पित्त जन्य जो प्रमेह है, मेनली जो जो स्थूल एंड बलवान वाले प्रमेह ही हैं उन्हीं को होता है ना, तो कफ पित्त जन्य प्रमेह में जो है अपतर्पण करने को कहा है, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यदि अपतर्पण करेंगे तो गुलमादी रोग हो जाएगा, तो उन सभी को ध्यान में रख करके वहाँ पे वैद्य का चालाकी है, समझदारी है कि वो किस तरह से ट्रीटमेंट करता है कि दूसरे और दोस्त को भी बैलेंस बना के रखना और उसके साथ साथ अपतर्पण करना है। ओके, तो ये यहाँ पे चैलेंजिंग वर्क है कि प्रमेह में अपतर्पण कैसे करना है। अब प्रमेह एंड मूत्रगत रक्तपित्त में जो डिफरेंस है वो जानते हैं, ठीक है। तो उसमें बताया कि हारिद्र वर्णम रुधिरम च मूत्रम बिना प्रमेह से ही पूर्व रूपे यो मूत्र येतम न वदेत प्रमेह रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोप। यानी कि एक केस है जिसमें एक पर्सन का जो मूत्र है वो कैसा हो रहा है कि हरिद्र वर्ण, हल्दी के जैसा है, साथ साथ रुधिर भी उसमें, यानी ब्लड भी मिक्स है, यानी कि हल्दी के वर्ण के साथ साथ जो रक्त वर्ण का भी है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो प्रमेह ना हो करके रक्तपित्त है, क्योंकि जो रक्त में है, मंजिष्ट में है, हरिद्र में है, तो रक्त और मंजिष्ट में रुधिर वर्ण का होता है, हरिद्र में जो हरिद्र वर्ण का होता है, तो ये लक्षण तो पता चलेगा कि प्रमेह का है, मेनली पित्त प्रमेह का टाइप्स है। लेकिन ये प्रमेह नहीं होगा उस केस में जब उसमें प्रमेह का पूर्व रूप नहीं आएगा, बिना प्रमेह से ही पूर्व रूप है, यदि प्रमेह का कोई पूर्व रूप नहीं है और मूत्र हरिद्र एंड रुधिर वर्ण का है तो उस केस में हम उसको प्रमेह न मानेंगे, ठीक है। यो मूत्र ये तो ना वदते प्रमेह, हम उसको हम जो प्रमेह के वजह से वो मूत्र नहीं है बल्कि रक्तस्य पित्तस्य ही स प्रकोप, रक्त पित्त के प्रकोप के वजह से वो मूत्र है ऐसा समझेंगे। तो बस यही डिफरेंस है कि उसमें पूर्व रूप नहीं आना चाहिए। ओके, एक टर्म है निदान परिवर्जन। तो ये किसी भी तरीका का जो डिजीज है तो उसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निदान परिवर्जन ही आता है कि उसके निदान को त्याग दिए जाए। तो ये नॉर्मल जो है सबसे पहला यही आता है, तो हर जगह ये हम लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं। इसके बाद जो है एक बार फिर से प्रमेह की साध्य असाध्यता को जानते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि कफज प्रमेह है वो साध्य है, जो पित्तज है वो याप्य है, जो वातज है वो असाध्य है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि सपूर्व रूप कपपित्तमेह क्रमेण ये वात कृताश्चमेह साध्या ना, मीन्स असाध्य ते पित्त कृतास्तु याप्य साध्यस्तु मेदो यदि न प्रदुष्टम। ओके, अब क्या क्या है कि पहले तो ये क्लियर हो गया कफज साध्य है, पित्तज याप्य है, वातज असाध्य है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये इन्होंने कर दिया है कि पित्त कृतास्तु, जो पित्त के वजह से प्रमेह है सिर्फ वो याप्य होगा, लेकिन चाहे कफज हो चाहे पित्तज हो, यदि उसमें पूर्व रूप भी है, जो हमने पूर्व रूप देख रखा है, सब पूर्व रूप यानी पूर्व रूप के साथ है, तब वो असाध्य हो जाएगा। ओके, कफ हो और पित्त हो जो कि साध्य या याप्य में आता है, लेकिन पूर्व रूप के साथ है तब असाध्य होगा। क्रमेण ये वात कृश्च, वात के बारे में तो जानते हैं पूर्व रूप हो ना हो पर वो असाध्य ही होगा, तो ये असाध्य है, साध्य ना, तो ये सब हो गए असाध्य। पित्त के वजह से क्या बोल दिया कि इन्होंने पित्त याप्य है। लेकिन यहाँ पे पित्त के बारे में उन्होंने एक और पॉइंट ये बताया है कि या साध्यास्तु मेदो यदि ना प्रदुष्टम, वही पित्तज प्रमेह जिसमें यदि मेद धातु ज़्यादा दुष्ट ना हो। ओके, यदि मेद यदि ज़्यादा दुष्ट ना हो तो उस केस में वो पित्तज प्रमेह साध्य हो जाएंगे। ओके, पित्तज प्रमेह याप्य होते हैं, लेकिन उसमें यदि दुष्य जो मेद है वो ज़्यादा दुष्ट नहीं हुआ है तब साध्य भी हो जाएंगे, और वही पित्तज प्रमेह यदि पूर्व रूप के साथ है तब असाध्य हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, असाध्य प्रमेह में कौन कौन आ रहे हैं, तो जात प्रमेह मधुमेहीनो वा ना साध्य, वे भी साध्य नहीं होते हैं। सही बीज दोषाच, वो बीज के दोष के कारण होते हैं। तो जो जात प्रमेह या सहज प्रमेह या मधुमेह जो है वो भी असाध्य होते हैं। क्यों असाध्य होते हैं, क्योंकि बीज दोष की वजह से, जैसे कि स्पर्म या ओवम है तो उसमें ही जो है इसका जो है जेनेटिक फैक्टर में ही जो है ये प्रमेह क्या हेरिटेबल डिजीज है ना, तो एक से दूसरे में इनहेरिट होगा, तो उस स्पर्म में ही जो है ये इनहेरिटेबल फैक्टर यदि होगा तो उस केस में यदि आया है तो उसके बारे में इन्होंने कह रहा है कि वो असाध्य है। ये चापी केचित कुलजा,
ठीक है, कुल के वजह से, वंश परंपरा के वजह से जो विकार आता है, इसीलिए इसको असाध्य कैटेगरी में रखा गया है। इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि कोई भी कुलज व्याधि जो वंश परंपरा से, जो जेनेटिक इनहेरिटेबल डिजीज है, वो सब के सब असाध्य ही होते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे नहीं होते। ओके, तो असाध्य में ओवरऑल कौन कौन हुआ कि कपज हो चाहे पित्तज हो, यदि पूर्व रूप के साथ है तो असाध्य होगा। वात तो कैसे भी कंडीशन में हो असाध्य होगा। जात प्रमेय ही असाध्य, बीज दोष के कारण असाध्य। ठीक है, जो पित्तज प्रमेय है उसके बारे में यूनिक बात यह है कि जो नॉर्मल है पित्तज या पे होगा, लेकिन उसमें मेद धातु ज़्यादा दुष्ट नहीं है तो साध्य होगा, एंड यदि उसी पित्तज प्रमेय में पूर्व रूप भी है तो वो असाध्य हो जाएगा। ये श्लोक छूट गया था, इसको भी कवर कर लेते हैं कि प्रमेह में जो मूत्र यदि मधुरम सपिच्छम मधुपमम, यानी मधुर स्वीट होगा, सपिच्छ पिच्छिल युक्त झाग युक्त होगा, एंड मधुपमम मधु के जैसा दिखाई देगा। तो यदि मूत्र में ये फीचर आ रहे हैं मधुर सपिच्छ एंड मधुपमम, तो हमें दो चीज़ पे विचार करना है कि वो कप के वजह से है या वात के वजह से। ठीक है, क्योंकि जो वातज है उसमें भी शीत में, सॉरी शीत में नहीं, वातज में जो ओजो में मधुमेह होता है वो भी मधुर होता है, एंड कफज में भी जो इक्षु में सब होता है वो सब भी मधुर होता है। तो मधुर तो दोनों केस में मधुर होता है, तो किसके वजह से है तो ये देखना है उस पर्सन को कि छीनेसु दोषे अनिलात्मक, यदि दोष आदि के वजह से पर्सन छीन हो चुका है, यानी क्रिस केस है, पतला दुबला है, लिनन थिन पर्सन है, तो वो उस केस में वो वात के वजह से होगा। ठीक है, एंड संतर्पणाद वा कप संभव, यदि संतर्पण के वजह से उस पर्सन में ये केस आ रहा है तो वो कफज पर में ही होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि मूत्र से कन्फ्यूजन होगा, लेकिन पर्सन को देख करके कि छीन के वजह से हो रहा है या संतर्पण के वजह से हो रहा है, तो उससे क्लियर कर देंगे कि कफज है या वातज प्रमेय है। ओके, सो एट लास्ट यहाँ पे प्रमेह जन्य पीड़िका के बारे में बताया है। जो प्रमेह पीड़िका के बारे में जो है चैप्टर नंबर 17 चरक संहिता के सूत्र स्थान में बताया गया है, जो सात तरह के प्रमेह पीड़िका होते हैं, सरावीका, कच्छपिका, जालनी, सरसापल, जीविंता, विदर्दी, ये सब। तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने बताया है कि शल्य विधि से सर्जरी करके जो भी कुशल चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा करना चाहिए उसकी चिकित्सा। ठीक है, उसकी चिकित्सा में इन्होंने क्या क्या करने को कहा, या तो आप शस्त्र विधि से द्वारा करें, या संशोधन के द्वारा करें, या फिर रोपण, जो भी औषध है, इन सभी के हेल्प से इसकी चिकित्सा करें। सो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। यहाँ लास्ट में कंपाइल किया है कि द्विविधम त्रिविधम करके प्रमेह, तो दो तरह का तो हम जान गए कि स्थूल प्रमेह ही, एंड क्रिस प्रमेह ही, एंड त्रिविधम में जो है वात पित्त एंड कफ के वजह से होता है। ओवरऑल जो है कंपाइलेशन में बस उन्हीं सभी चीज़ों का उपसंहार किया है। सो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट थे वो मैंने मेनली जो भी पीजी प्रिपरेशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि ग्लोबल आयुर्वेदा हो गया, चरक प्रवेशिका, आयुर्वेद समुच्चय, डॉक्टर नीलिमा सिंह लोढ़ी, इन सभी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, गोविंद पारीख सर के, सभी को मैंने हाईलाइट करके मेनली उसी को फोकस किया और उसी को डिस्कस किया है। तो ये आपको सब्जेक्टिव में तो यूजी में हेल्प करेंगे ही, साथ साथ जो है पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको एमसीक्यू करने में भी बहुत हेल्प होंगे। सब्जेक्टिव के लिए आपको जो है ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पूर्व रूप सारा निदान याद रखना, एटलीस्ट 4-5 आपको याद रखना है, लेकिन हाँ इसको आप बार बार देखोगे तो इससे ऐसा होगा कि एमसीक्यू में जब नज़र के सामने आएगा तो वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं क्रिएट करेगा। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।